आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एकदम स्पाइसी और चटाकेदार काजू गाठिया की सब्जी की रेसिपी। आज हम ये सब्जी ट्रेडिशनल काठियावाड़ी ढाबा स्टाइल से बनाएंगे और एकदम इजी तरीके से बनाएंगे। तो आप इस सब्जी को पराठा, रोटी या फिर बाजरे की रोटी या फिर मक्के की रोटी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हो। खाने में बहुत ही मजा आता है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए ये मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को जरूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एकदम काठियावाड़ी ढाबा स्टाइल का काजू गाठिया सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक काठियावाड़ी लहसुन की चटनी बना लेते हैं। उसके लिए हम हमाम दस्ते में 5 से 6 खली लहसुन की लेंगे, 1 टीस्पून जितना जीरा, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा यानी कि 1/2 टीस्पून जितना हम नमक डालेंगे और इसे हम अच्छे से कूट लेते हैं। ये चटनी आप चाहो तो मिक्सर जार में भी इसे पीस सकते हो, मगर ये काठियावाड़ी लहसुन की चटनी इस तरह से कूटी हुई बहुत ही अच्छी लगती है। बस ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट में ये चटनी बन जाती है। तो लीजिए, ये हमारी काठियावाड़ी लहसुन की चटनी बनकर रेडी है। आप इसे हफ्ते भर स्टोर करके भी रख सकते हो। काजू गाठिया की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई को मीडियम गैस की फ्लेम पर रखेंगे और उसमें हम 2 टेबलस्पून जितना घी डालेंगे। हल्का सा घी गर्म होते ही उसमें हम डालेंगे 1/2 कप जितना काजू, जिसके मैंने 2 हिस्सों में इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं। काजू को हम लो टू मीडियम गैस की फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। काजू को हमें ज़्यादा गोल्डन कलर के फ्राई नहीं करने हैं, सिर्फ हल्का सा काजू का कलर चेंज हो जाए उतना ही हमें उसे फ्राई कर लेना है। गैस की हाई फ्लेम पर हमें काजू को फ्राई नहीं करना है, वरना वो जल्दी से जल जाएगी, तो ये बात का ध्यान रहे। तो लीजिए, हमारे सारे काजू अच्छे से मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो सारे काजू को मैंने प्लेट में निकाल लिए है, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। उसी कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे। ये सब्जी में थोड़ी तेल की मात्रा ज़्यादा होती है, अगर आप तेल या घी कम खाते हो तो आप कम भी कर सकते हो। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पर रखनी है और तेल गर्म होते ही हम उसमें ऐड करेंगे 1 पिंच इतनी हींग, 1 टीस्पून जितना हम जीरा डालेंगे और जीरा को हम तेल में अच्छी तरह से सौते कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि जीरा तेल में अच्छे से सौते हो गया है। अब डालेंगे 1 इंच जितना कद्दूकस किया हुआ अदरक, 2 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और अदरक और हरी मिर्च को हम तेल में अच्छे से सौते कर लेते हैं ताकि जो अदरक का कच्चापन है वो निकल जाए। तो आप देख सकते हो कि अदरक और हरी मिर्च तेल में अच्छे से सौते हो गए हैं। अब मैंने यहाँ एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड करेंगे। प्याज को हमें हल्का सा पिंक कलर आए तब तक हमें प्याज को पका लेना है। तो आप देख सकते हो कि प्याज में हल्का सा पिंक कलर आ गया है। अब हम उसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जितनी लहसुन की, यानी कि हमने जो काठियावाड़ी लहसुन की चटनी बनाई है ना, वो ऐड करेंगे और लहसुन की चटनी को हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये लहसुन की चटनी आप कोई भी सब्जी में यूज़ कर सकते हो। ये काठियावाड़ी लहसुन की चटनी प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम 1/2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून जितनी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और ये सारे मसाले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। अब मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर लिए हैं, वो ऐड करेंगे। टमाटर अच्छे से पक जाए उसके लिए हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और अच्छे से मीडियम गैस की फ्लेम पर हम टमाटर को पका लेते हैं। तो टमाटर मसाले में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मसाले जले नहीं, उसके लिए हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जितना गुनगुना पानी और अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेते हैं। जब तक ग्रेवी में से तेल रिलीज ना होने लगे तब तक हमें ग्रेवी को पका लेना है। लगभग 2 से 3 मिनट में ग्रेवी में से तेल रिलीज होने लगेगा। अब उसमें हम ऐड करेंगे हल्की सी खट्टी छाछ, जो हमें 1 कप जितनी लेनी है, और साथ ही में हमें ऐड करना है 1/2 कप जितना पानी, और हमें इसे इस तरह से कंटिन्यू स्टर करते जाना है ताकि छाछ है वो ग्रेवी में फटे नहीं। और हाँ, छाछ को हमें रूम टेम्परेचर पर हो वैसे ही हमें छाछ का यूज़ करना है, एकदम ठंडी छाछ हमें नहीं लेनी है, वरना छाछ है वो ग्रेवी में जाते ही फट जाएगी और ये सब्ज़ी भी हमारी ख़राब हो जाएगी, तो ये बात का ध्यान रहे। छाछ को हमें एक उबाल आए तब तक हमें इसे कंटिन्यू चलाते जाना है। ये देखिए इस तरह से,
तो आप देख सकते हो कि छाछ हमारी अच्छे से उबलने लगी है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, यानी कि छाछ के हिस्से का हमें नमक डालना है और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। और हाँ, आगे भी हमने नमक डाला है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक एडजस्ट कीजिएगा। अब हमने काजू को फ्राई करके रखा था, वो सारे काजू हम इसमें ऐड कर लेते हैं और काजू को और ग्रेवी को हम एक मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब कवर करके 5 मिनट तक इसे हम पकने देते हैं ताकि जो काजू है वो ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि काजू ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो गए। बस इतनी पतली ग्रेवी हमें रखनी है क्योंकि जब हम गाठिया इसमें ऐड करेंगे ना तो गाठिया सारी ग्रेवी एब्जॉर्ब कर लेगा। लास्ट में हम ऐड करेंगे आधे टीस्पून जितना गरम मसाला और हर डिश की जान बारीक कट किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। और मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप जितना भावनगरी गाठिया। अगर आपके पास ये गाठिया नहीं है तो आप थोड़ी सी मोटी वाली सेव आती है ना, उससे भी आप ये सब्ज़ी बना सकते हो। बस सिर्फ हमें इस बात का ध्यान रखना है जब भी हमें सर्व करना हो तभी हमें ये गाठिया इसमें ऐड कर लेना है। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो लीजिए, हमारा काजू गांठिया की सब्जी बनकर रेडी है। तो अब गैस को कर लेते हैं हम बंद और इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये सब्जी आप फुल्का रोटी, पराठा या फिर मक्के की रोटी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हो। हरे धनिए और काजू से हम इसे गार्निश कर लेते हैं। तो एक बार ये काठियावाड़ी ढाबा स्टाइल की काजू गांठिया की सब्ज़ी ट्राई करने जैसी है, आपको ये ज़रूर से पसंद आएगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही नई रेसिपी के साथ।